ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और WBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में कई बार हमसे अगर एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो हम जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने मार्क्स को जो है बूस्ट कर पाए। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। WBJEE 2024 की एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी स्टूडेंट्स जाकर के इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। प्री रजिस्ट्रेशन के अंदर में आपके पास में भारी भरकम डिस्काउंट है और साथ में आपको 2023 का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस जाकर के अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, उसके बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लेना। लेकिन अगर आपको WBJEE 2024 के अंदर में झंडे गाड़ने हैं, एग्जाम को अच्छे नंबर से क्रैक करना, अपने स्कोर को जो है बूस्ट करना है, तो आपको इस कोर्स के अंदर में जो जरूर से एनरोल कर लेना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कुछ WBJEE एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा सकते हैं। ठीक है, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग ट्रिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, आप लोगों के भी जो है दिमाग खुले के खुले रह जाएंगे। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स जो है ये इंस्टेंटली मेरे दिमाग से आते हैं, ये सब आपको किसी किताब में नहीं दिखने को मिलेगा, कहीं पर भी आप लोगों को कोई और टीचर ये सारे ट्रिक्स जो है नहीं सिखा रहा होगा। और जितने भी ट्रिक्स आप मेरे चैनल पर देखते हो वो सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे WBJEE का है तो ये WBJEE की PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मॉक टेस्ट से नहीं, मन से बना करके नहीं, जो ऑफिशियल पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उसी में मैं आप लोगों को जो है ट्रिक्स दिखाता हूं। आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट चलती है हमारे पास में, फ्री प्लेलिस्ट जो है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा, तब आपको उसके लेक्चर्स जो है वो एक्सेस होंगे। ठीक है, उसके डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप रजिस्टर जाकर के कर सकते हो। अगर आप WBJEE 2024 का एग्जाम देने वाले हो तो आप कोर्स के अंदर में जाकर के एनरोल कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बना सकता हूं वैसे आप भी इंस्टेंटली बना पाओगे। ठीक है ना, चलो अभी यहां पर हम लोग समझते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि भाई ऐसा कुछ हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है, रेंज अपन को पूछा है। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, इसकी जो भी वैल्यूज आ सकती है वो सारी रेंज के अंदर में आएंगी। तो मैंने जुगाड़ क्या लगाया, एक तो होता है एक्चुअल तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, अब एक्चुअल तरीका किसके लिए होता है, जिसने अच्छी पढ़ाई करी होती है, है ना। अब अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या है, आप या तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जैसे कि आप ऑलरेडी जो है अच्छी रैंक लेकर के आ जाओ, या फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, ये दो ही होता है अच्छी पढ़ाई का मतलब, कि भाई आप या तो टॉपर हो जाओ या तो अच्छी रैंक निकाल लो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, आपको पता है कि यार अगर मैं 20 नंबर इंप्रूव करूं तो मैं वो चीज़ चाहता हूं इंप्रूव करना, या फिर आप अगर एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 40-50 नंबर इंप्रूव करने हैं, तब जाके आप जो है लेट्स से WBJEE की बात हो रही है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आप पहुंच पाओगे, समझ रहे हो। तो उस केसेस में आपको क्या है, जुगाड़ बुद्धि से भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो आप एग्जाम में हो और आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, आपको रेंज निकालना नहीं आता हो एक्चुअल तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, आप लेट कर लो एक्स की वैल्यू, लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 1 आ जाएगा, है ना, 4/4 आ जाएगा 1, यस और नो। तो x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 1 क्या है, रेंज का पार्ट होगा, है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर 1 नहीं है, देखो इस रेंज में 1 नहीं है, क्योंकि माइनस से माइनस के अंदर ही खत्म हो गया, तो इसको आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। सिंपल सी चीज आपको समझ आई, यस और नो, ये चीज आपको समझ आई कि भाई यहां पे 1 है ही नहीं, और वैल्यूज ले लो, लेट कर लो x इक्वल्स टू 1। अब x को अगर आप 1 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1-1 ऊपर 0 हो जाएगा, 4/6 आ जाएगा, 4/6 का मतलब क्या हो गया, 4/6 आ गया, मतलब कि 2/3 आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास में, 2/3 आ गया। ऐसे कर करके आप ना वैल्यूज लेट कर सकते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा देखो, ऑप्शन सी में भी 1 नहीं है, ध्यान से आप देखो, ऑप्शन सी में भी जो हमारा x इक्वल्स टू 0 पे 1 आया था, ऑप्शन सी में भी नहीं है, क्योंकि ये 3/5 पे खत्म हो जा रहा है, मतलब कि 0.6 पे खत्म हो जा रहा है, और फिर ये 5/3 से चालू हो रहा है, मतलब 5/3 इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें 1 नहीं आया, है ना। नंबर लाइन अगर हम देखें
वन अगर यहाँ पर है तो ये वाला तो 3/5 पे खत्म हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 3/5, और ये 5/3 वन से बड़ा है तो यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा, तो वन इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये रिवर्स तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वन नहीं था, इसमें वन नहीं था, वन हमारे पास में रेंज के अंदर में आ रहा है। ठीक है, अब ए और बी में क्या हो सकता है वैल्यू, 3/5 इंक्लूड करे या नहीं इंक्लूड करे, तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपल इस इक्वेशन को ही आप 3/5 से इक्वेट कर दो। अगर कोई वैल्यू आती है एक्स की तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहां पर आप ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल कर दो आप, क्योंकि देखो 3/5 यहां भी है यहां भी है, एक ओपन ब्रैकेट है और एक क्लोज ब्रैकेट है, तो आप 3/5 से इक्वेट कर लो और देख लो x की कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, तो आप क्या करो 3x स्क्वायर को काटो, यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहां से 3x को इधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8x, और यहां से 12 को काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2x square minus 8x plus 8, तो फाइनली आ जाएगा x square minus 4x plus 4 equals to 0, तो ये क्या हो गया x minus 2 का होल स्क्वायर हो गया equals to 0, है ना, a square plus b square minus 2ab, वही तो है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2, तो x की कोई वैल्यू आ रही है ना, तो ये R से R में फंक्शन डिफाइंड है ना, यस और नो, x अगर x की कोई वैल्यू नहीं आती 3/5 रखने पे तो हम ओपन ब्रैकेट वाला चूज करते, वैल्यू आ गई ना इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 रखने पे 3/5 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 3/5 x इक्वल्स टू 2, आप इस पे रखोगे तो रख के देख लो, यहां पर x इक्वल्स टू 2 में डालता हूं तो 2 2 4 माइनस 2 प्लस 4 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 4 प्लस 2 प्लस 4 x इक्वल्स टू 2 रखने पे, तो ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया कितना 10 आ गया, 6/10 आ गया ना, 6/10 मतलब कितना हो गया 3/5 आ गया, तो 3/5 क्लोज ब्रैकेट में आएगा क्योंकि 3/5 अपन को मिल रहा है, तो ये ओपन ब्रैकेट वाला एलिमिनेट हो जाएगा, 3/5 भी क्या है रेंज का पार्ट है। बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रिक सही है, ठीक है, जुगाड़ तरीके से आपको कैसे सॉल्व करना, और मैथ्स में तो यार दो दो नंबर के भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, आप मैथ्स में WBJEE में 100 नंबर तो मैथ्स का ही होता है, और आजकल बच्चे 200 में से ठीक है 70-80 नंबर लाने वाले बच्चे जो है बहुत अच्छा रैंक लेकर के आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आजकल कंपटीशन भी बहुत कम है WBJEE में। ठीक है, तो आप अगर ऐसे नंबर बढ़ाते हो, आप मान लो आप 40 नंबर लाते, आप अगर इस तरीके से नंबर बढ़ा के अगर आप 70 तक पहुंच गए तो आप सोच रहे हो क्या आपके ड्रास्टिक आपके रैंक में चेंजेस आएगा, कितना अच्छा कॉलेज और कितना अच्छा ब्रांच आपको मिलेगा। अब जैसे यहां पर देखो आप बेसिक सी एनालिसिस होती है, ठीक है, एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जुगाड़ से मैं दिखाता हूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखो ये थीटा की वैल्यू 90 से 270 के बीच में है, क्लियर है। अब आप अगर यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो ये 45 डिग्री और ये थीटा बाई 2 है, तो अगर मैं 135 ले लूं थीटा को तो 135 बाई 2 कितना आएगा 130, या फिर मैं वो ले लेता हूं 150 ले लेता हूं, ठीक है 150 ले लेता हूं, समझ रहे हो, देखता हूं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं आपके सामने। ये है 45 डिग्री, मेरे को 45 डिग्री को कुछ ऐसे नंबर से माइनस करना है जिसके बाद मेरे को उसके कॉस की वैल्यू पता हो, समझ रहे हो आप बात को, तो अगर मैं 75 से माइनस करूंगा तो मेरा कॉस 30 आएगा, और 75 का मतलब है कि थीटा में 150 ले लेता हूं, है ना, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, लेट थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्रीज, क्लियर है, ये मेरा अजम्पशन हो गया। अब इस अजम्पशन के बेस पे मैं क्या करूंगा, वैल्यूज चेक करूंगा, ठीक है। अगर थीटा को मैं 150 लेता हूं तो पहले तो आप ऑप्शंस देखो क्या हो जाएंगे, तो ये आपके पास में 150 डिग्री यहां आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 60 तो ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पे टैन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस इस तरीके से होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होगा, और एक्स एक्सिस से एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 डिग्री, देखो ये हमारे पास में क्या है, बेसिकली मैं आपको वैल्यू सारे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो 150 डिग्री के लिए साइन 150 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री विद अ पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब कि हाफ आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो कॉस 150 डिग्री कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आएगी विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है। टैन 150 डिग्री क्या हो जाएगा, टैन 150 डिग्री मतलब टैन 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन के साथ में, तो नेगेटिव टैन 30 डिग्री मतलब 1/√3, समझ गए ना, और इन्हीं का उल्टा हो जाएगा, जैसे कि मान लो आपको कॉट लेना है, कॉट 150 डिग्री आपका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इसका, माइनस √3 हो जाएगा, समझ गए आप।
ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। अपना अपना मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, आप जैसे करते हो वैसे करो, मैं इस तरीके से करता हूं, एक्स एक्सिस से एंगल देख करके करता हूं और क्वाड्रेंट देख लेता हूं कौन सा है, ठीक है। तो अब आप देखो तो आपके ऑप्शंस क्या बन जाएंगे, -2 cot 30 cot 150, ठीक है, हर जगह थीटा की जगह 150 आएगा, समझ रहे हो, हर जगह थीटा की जगह 150 डिग्री आएगा। तो -2 cot 150 cot 150 इज -√3, तो -√3 × -2 कितना हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या आ गया, 2√3, दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, -2√3, समझ गए, क्योंकि cot 150 की जगह -√3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड में cos है, cos 150 √3/2 माइनस साइन, 2 से 2 कट जाएगा माइनस रह जाएगा, तो -√3 हो गया, और यहाँ पे 2 sin 150 मतलब कि 2 × 1/2 मतलब कि ये 1 हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे ऑप्शंस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिए मैंने, ये हमारे ऑप्शंस हो गए हमारे अजम्पशन के हिसाब से। अब आप इसको सॉल्व कर लो फट से और फिर मैच कर लेना, बहुत इजीली मैच हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका √4 cos^4θ, cos^4θ मतलब इसका 4 गुना करना है 4 बार, ठीक है। तो माइनस 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 4 बार तो प्लस ही आ जाएगा, √3 को 4 बार करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, है ना, और 2 को 4 बार करोगे 16 आ जाएगा, सही है। √3 × √3 × √3 × √3 9, और 2 × 2 × 2 × 2 आपका आ गया 16, प्लस साइन स्क्वायर, अभी ये 2θ है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2θ है, 2θ का मतलब हो गया 150 डिग्री, तो साइन 150 भी देख लो कितना होता है, सॉरी 300 डिग्री, ठीक है ना, थीटा तो 150 था, 300 देख लो कितना होता है, 300 कहाँ आएगा, 300 आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा वैल्यू, तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या होगा, 300 डिग्री है ना, तो 270 तो यहाँ तक हो गया, 30 डिग्री और ले लो, तो एक्स एक्सिस से एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये जो वैल्यू है ना नेगेटिव साइन के साथ आएगा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 होता है √3/2, तो -√3/2 आएगा साइन 300 मतलब साइन 2θ, क्लियर है। तो -√3/2 का स्क्वायर करना है क्योंकि साइन स्क्वायर 2θ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/4, क्लियर हो गया, यस और नो। अब देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 cot θ की जगह आप डालोगे यहां पे -√3, ठीक है, -√3, और फिर यहां पर आएगा आपका cos स्क्वायर 45 डिग्री -75 डिग्री, θ/2 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में 30 डिग्री आ जाएगा, cos स्क्वायर -30, और cos ऑफ -θ cos थीटा ही होता है, तो बेसिकली cos 30 डिग्री हमारे पास में √3/2 का स्क्वायर कर देंगे मतलब कि 3/4 हो जाएगा, क्लियर है। cos -30 आया उसका स्क्वायर, cos -30 इज cos 30 ओनली, स्क्वायर कर दिया हमने, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 9/4 9/4, ये आ गया आपका 12/4 मतलब कि √3 आ गया ये फाइनली, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3√3, तो कुल मिला के आ गया आपका -2√3, ये आपका मैच हो गया ऑप्शन बी के साथ में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया जो कि 2 cot θ था अर्ली, समझ रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको इस ट्रांसफॉर्म में लेकर ट्रांसफॉर्म करके यहाँ तक लेके आओ तो भी आपको उतने नंबर मिलने हैं, या तो आप क्या करो, आप अगर उतने पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे का मतलब है उतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जुगाड़ लगा के थीटा को लेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग क्लास 10 का बच्चा भी ये सारे वैल्यूज को जानता है कैसे कैसे करना है, और बस आपको अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज देखनी आती है उसके बाद में आप क्वेश्चन में भी वही वैल्यूज डाल दो, ऑप्शन में भी वही वैल्यूज डाल दो, मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स थे यार, ये सारे ट्रिक्स मैंने लगाए थे यार अपने टाइम पे, तभी मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी को जो है कट ऑफ को क्लियर कर पाया था, मेरी AIR जो है ना 849 आई थी WBJEE के अंदर में, जो कि कतई नहीं आती अगर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं लगाता, तो मेरी प्रिपरेशन इसके लायक नहीं थी, ठीक है, बट मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के सारे मेरे बनाए हुए मेथड्स होते हैं, सब इंस्टेंटली आता, अभी वीडियो बनाने के पहले आपके सामने यू नो क्वेश्चंस लेकर के मैं इंस्टेंटली आया हूं, ऐसा नहीं कि इसको सोचने में घंटों लगते हैं, नहीं, इंस्टेंटली होता है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, उसी के लिए हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है वो आप उसके अंदर में देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जरूर एनरोल करो। WBJEE 2024 में अगर आपको झंडे गाड़ने, अच्छे रैंक लेकर के आना है, तो आप उसके अंदर में जरूर से एनरोल करो, और फ्री प्लेलिस्ट जो है उसका भी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के उसमें फ्री में बहुत सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।